लिमिट स्टेट मेथड क्यों यूज होता है अभी थॉरली स्टडी करेंगे, यू विल गेट टू नो. ठीक है, और एक क्या था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि पुराना मेथड. अब बेसिक हमारा स्ट्रक्चर को जब भी हम डिजाइन करते हैं, हम दिमाग में तीन स्टेप रखते हैं, सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, इकोनॉमी, ये हमने स्टडी किया था. देन अगर मैं बात करूँ डिजाइन कोड्स, ये भी हमने स्टडी कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिजाइन कोड के, ये मैं रिपीटिंग कर रही हूँ. मेथड्स की बात करें, बोला था आरसीसी डिजाइन के मेथड दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं या फिर एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली सब कुछ स्टडी कर लिया है, हमें एक बिहेवियर पता चल चुका है रिस्पेक्टिव मटीरियल्स का. ठीक है, लोड फैक्टर हो गया, अल्टीमेट लोड फैक्टर हो गया, ये मेथड्स होते हैं. देन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया हमारा, लिमिट स्टेट मेथड हो गया. ये जो तीन मेथड थे ये हमारे किसके अंदर आते थे, एनालिटिकल मेथड के अंदर. और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे वो कौन से थे, कि हम कभी कोई नया मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमें प्रॉपर लैब टेस्ट करना रहेगा उस मटेरियल के ऊपर, या फिर स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है फर्स्ट टाइम वैसा कुछ करने जा रहे हैं, तो हम उसका प्रोटोटाइप के ऊपर पहले एनालिसिस वगैरह करके देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बिहेवियर शो करेगा. लेकिन हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी कौन से करने हैं, एनालिटिकल मेथड, जो आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड है. और उसमें से भी हमने कौन से करने हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड. वर्किंग स्ट्रेस मेथड को सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी करेंगे, वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक ओवरव्यू दूंगी, ताकि आपको ये फर्क पता चल जाए कि हम लिमिट स्टेट में जब डिजाइन करते हैं और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब डिजाइन करते हैं एक्चुअल में क्या फर्क है. थ्योरी में तो पढ़ना, एक हम थ्योरी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, ये जो सब है, जो अभी मैं इंट्रोडक्शन दिया, जो मैंने आपको ग्राफ्स के थ्रू समझाया, वो एक थ्योरी का कंसेप्ट है. लेकिन एक्चुअल में उस थ्योरी को हम प्रैक्टिकली फॉर्मूलाज की फॉर्म में कैसे यूज कर रहे हैं, आईएस कोड में कैसे उसको बताया हुआ है, वो हम जब हम प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल बेसिस देखेंगे, तो हमें समझ ज्यादा अच्छे से आता है. ठीक है, अभी तो सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है. अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने जब किया था, क्या किया था, इलास्टिक मेथड होता है, मॉड्यूलर रेशियो मेथड होता है, ये इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है. देखो ऐसा है, मटेरियल तो दो हैं, कंक्रीट हो गया और स्टील हो गया, दो मटेरियल को हम एक एक सिंगल यूनिट में कास्ट कर रहे हैं बीम की फॉर्मेट में, अगर मान लो. ठीक है, उसमें कॉन्क्रीट भी है, बीच में स्टील भी है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है. और हम क्या बोलते हैं कि जो कॉन्क्रीट है वो स्टील प्रोवाइड करता है, ये हमारी एक अजम्पशन लेकर चलते हैं. और क्या होता है, द मटेरियल बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर अज्यूम्ड टू बी बिहेव प्रॉपरली इलास्टिक. इलास्टिक का मैंने आपको पिछली बार ग्राफ के थ्रू पूरा समझाया था. इलास्टिक क्या होता है, बेसिकली जब हम मटेरियल्स के ऊपर लोड लगाते हैं, और जब वो लोड को इफेक्ट किया, लोड को जब वो इफेक्ट करता है, कंप्रेस हो गया मान लो कोई बॉडी, तो जब वो लोड हटाया तो वो दोबारा अपनी शेप को लोड हटाने पे क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. जैसे कि रबड़ का आपका एग्जाम्पल है, रबड़ को अगर आप लोड लगाते हो, प्रेस करते हो, वो दोबारा से जब अपना आप लोड हटा देते हो, जब उसको दबा रहे होते हो रबड़ को, जब दोबारा से उसको दबाना बंद करते हो, तो दोबारा वो अपनी शेप में आ जाता है ना. तो वो क्या है, एक इलास्टिक बिहेवियर. तो हम एज्यूम, ये अजम्पशन है, हम एज्यूम क्या करके चल रहे हैं, मटीरियल बोथ concrete and steel are assumed to behave perfectly elastically. ये study किया था हमने. And यहाँ पे क्या बोला था, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain, ये क्या होता है, within elastic limit की हमारी, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये basic जब हम modulus of elasticity study करते हैं, वो कब Hooke's law हमारा कब applicable होता है, when जब वो within elastic limit. तो ये वही बोल रहा है कि stress is proportional to strain. And distribution of strain is linear, मतलब linear ये vary कर रहा है. जब सबसे maximum load कहाँ पे होता है, ऊपर से load लग रहा होता है ना beam के ऊपर, तो compress हो रहा है ऊपर से, नीचे tension हो रही है, maximum load कहाँ पे लग रहा है, ऊपर वाले surface के ऊपर. ठीक है, एंड लीनियरली वेरी कर, न्यूट्रल एक्सिस पे आते आते हम assume करके चलते हैं. ये भी एक assumption, अगर आप लोगों को याद हो, मैं सिंपल बेंडिंग बिल्कुल सही, वहां पे हमारा क्या रहता है, जीरो रहता है. हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो वाला जो फाइबर न्यूट्रल एक्सिस के वहां पे जो भी फाइबर है वो क्या है, अनइफेक्टेड है. बच्चे ये रेडमी Y1, ये मैंने इसको अभी एडमिट किया है, ये हर लेक्चर में बच्चा आ रहा है, प्लीज अपना नेम चेंज करो ना, ये कौन है, ये आई गेस अभी ज्वाइन ही नहीं हुआ. लेट हाँ जी, ये जो रेडमी Y1 है ये अभी ज्वाइन किया है बच्चे, अपना प्लीज वहां पे रोल नंबर लिखिए. मैं आपको एडमिट कर रही हूँ हर लेक्चर में, जस्ट बिकॉज यू आर अटेंडिंग, काइंडली राइट योर नेम एंड रोल नंबर. रेडमी Y1 जो भी है ये, काइंडली चेंज योर नेम. चलो एनीवेज,
और क्या बताया था कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इट इज एज्यूम दैट स्ट्रेस इन कॉम्पिटेंस स्टील डू नॉट एक्सीड देयर परमिसिबल वैल्यूज एट वर्किंग लोड. वर्किंग लोड जहाँ पे मतलब बिल्डिंग हमारी क्या है, वर्केबल है. इतना लोड जहाँ पे बिल्डिंग वर्केबल है, मान लो सर्टेन लोड है जिसके ऊपर बिल्डिंग जो है हमारी एक्स लोड है, ठीक है, उस पे जो हमारी बिल्डिंग फेल नहीं कर रही है, मतलब वो क्या है, सेफ है, वर्केबल है, अच्छे से काम कर रही है, ठीक है. तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा, सिर्फ हम इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम सिर्फ कंक्रीट को कंसीडर कर रहे हैं और स्टील को, हम बाकी लोड फैक्टर तो कंसीडर नहीं कर रहे. इसमें सिर्फ हम मटेरियल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल की हम लोग जो परमिसिबल वैल्यू है बस उसको दिमाग में लेकर चल रहे हैं. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कंक्रीट और स्टील है, जो उसका जो लोड मतलब जो वैल्यू है स्ट्रेसेस की, सिर्फ परमिसिबल वैल्यू जो होती है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगी, ठीक है. एंड जो ये परमिसिबल स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट एंड स्टील आर ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होती है परमिसिबल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है. करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी होगी, जैसे मान लो M20 है, M20 का अगर मैंने मिक्सचर रेडी किया है कॉन्क्रीट का, तो उसकी 20 वाली वैल्यू जो है वो क्या है, FCK वाली. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के जब नोट्स भेजे थे उसमें टेबल में दिखाया था कि वो FCK क्या है, 20 वाली वैल्यू, उसको हम डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 3 होता है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का क्या होता है, ऑन एन अप्रॉक्स 1.8, वैसे 1.78 होता है लेकिन हम 1.8 इसको कंसीडर करके चलते हैं. और ये वाला जो स्ट्रेस मेथड होता है डिटर्मिनिस्टिक होता है. क्यों डिटर्मिनिस्टिक होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस भी पता है कितनी है, क्योंकि हमें FCK की वैल्यू पता है. FCK की वैल्यू पता है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे FOS से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, कंक्रीट के लिए जो कि 3 एज्यूम किया हुआ है एज पर कोड्स, एंड स्टील के लिए 1.78 एज्यूम किया हुआ है. तो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस, हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग जो है जहाँ से परमिसिबल वैल्यू इंक्रीज हुई वहाँ से वो कलेप्स कर जाएगी या फिर सेफ नहीं होगी. तो ये वैल्यू क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, हमें पता है कि कितने लोड पे हम अपनी बिल्डिंग को एज्यूम करके चल रहे हैं. अब ये वाला जो वैल्यू था ना, इसका मेन ड्रॉबैक क्या था, ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज होता था, क्योंकि जब हम इसमें लोड वगैरह की कैलकुलेशन करते थे ना, तो क्या होता था, जो सरिया होता था वो ज्यादा कैलकुलेट हो जाता था, ज्यादा निकाल, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो वैल्यूज हम बहुत ज्यादा लेकर चल रहे थे, मतलब हम सेफ्टी इतनी एक्सेस में लेकर चल रहे थे, सरिया इतना यूज होता था, एक्सेस अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज होती थी, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते थे. ये तो तुम्हारा एक ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू हो गया किसका, लिमिट स्टेट, उसका वर्किंग स्टेट मेथड का. अभी आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज लिमिट स्टेट मेथड. इस मेथड को थोड़ा अभी के लिए ध्यान से सुनना, जब हम इसको और अच्छे से करेंगे, इस पूरा चैप्टर लिमिट स्टेट का, ये तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे हम इसको और अच्छे से करेंगे वहाँ पे आपको ये बेटर समझ आएगा. अब ध्यान से सुनना, लिमिट स्टेट क्या है, दो शब्द हो गए, लिमिट स्टेट मेथड का तो इन जनरल पता है. इन दिस मेथड डिजाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट कंसेप्ट. अब लिमिट स्टेट कंसेप्ट क्या है उसको स्टडी करेंगे. पहली बात तो ये लिमिट स्टेट कंसेप्ट के ऊपर है, लेकिन ये है क्या है लिमिट स्टेट कंसेप्ट उसको देखते हैं. द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन टू विदस्टैंड सेफली ऑल लोड. क्या कह रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो सेफ डिजाइन होना चाहिए ताकि वो सारे लोड को सेफली बेयर कर सके जो भी उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं. एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखा, उसमें क्या था, वो सिर्फ हम जब डिजाइन कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम कंक्रीट और स्टील को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे जितने भी लोड एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उसका डेड लोड हो गया मटेरियल का, या फिर इम्पैक्ट लोड हो गया, या फिर एनवायरमेंटल लोड हो गया, हम सबको कंसिडर करके चलेंगे इस मेथड में, जो भी उस बिल्डिंग के ऊपर एक्ट करेंगे. तो वो बोल रहा है कि एंटायर लाइफ के लिए ये सारे जब भी लोड उसके ऊपर एक्ट करेंगे, हमारी बिल्डिंग उसके लिए क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए. Therefore, collapse of structure will not take place. कह रहे हैं अगर हमने starting में ही सारे loads को लेकर इस method में सारे loads को consider करके building design कर दी है, तो it means हमारा तो structure collapse नहीं करेगा, हमारा structure क्या रहेगा, safe रहेगा. तो in short, इसने material की properties को consider करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में इसने क्या बोला, जो भी building के ऊपर load act कर रहा है, हम उसकी भी एक permissible value लेकर चलेंगे, हम उसकी भी एक safe value लेकर चलेंगे, कि इससे ज्यादा वो सारे load इस पर act नहीं करने चाहिए. मतलब हमारा, हाँ बच्चे बोलो बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. और भी कोई है जिसको वॉइस इशू है, चैट बॉक्स में लिख सकता है. हेलो, अब आइए, बेटर है, किसी और को कोई इशू है कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है. मैम जब आपने बताया था ना कोलैप्स ऑफ लोड डज नॉट टेक प्लेस, उसके बाद से फिर से बताना, उसके बाद सुना नहीं था. ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं. मैंने क्या बोला कि बिल्डिंग के ऊपर जितने भी लोड ऐड कर रहे हैं ना इस मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड में, हम वो सारे कंसीडर करके चलेंगे. इट मींस हम मटेरियल को तो सेफ लिमिट में लेकर चल ही रहे हैं,
मतलब इतनी रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल इतना स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल लेकर चल रहे हैं कि मतलब इन फ्यूचर अगर हम रिज्यूम करते हैं कि हमने एक्स लोड के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करना है, तो मटेरियल को हम उसके हिसाब से लेकर चलेंगे ताकि वो फेल ना करे मतलब एक सर्टन लोड के लिए। तो वो क्या बोल रहे हैं, पहले वाले में हम सिर्फ कंक्रीट और स्टील को कंसीडर कर रहे थे, उसकी परमिसिबल वैल्यूज को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इस केस पे हम लोग जो बिल्डिंग के ऊपर लोड ऐड कर रहे हैं ना वो भी कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कि उसकी एंटायर लाइफ टाइम में इंपैक्ट लोड, लाइव लोड हो गया, ठीक है, डेड लोड हो गया, ये सारे कंसीडर करके चल रहे हो, एनवायरमेंट लोड, इन सबको कंसीडर करके चल रहे हो कि अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर चल रहे हो कि इन फ्यूचर अगर ये एक्ट भी कर जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए, मतलब हम ओवरऑल लोड को लेकर चल रहे हैं इसमें। एंड जो आपका इसमें क्या है कि कोलैप्स स्ट्रक्चर विल नॉट टेक प्लेस, अगर हमने सारे लोड्स को ही सेफ लिमिट में लेकर चल गए जो उस बिल्डिंग के ऊपर एक्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, सेफ रहेगा और वो कोलैप्स नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये मेथड का, इट शैल ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट, सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब ये सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ऐसा है बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन आती है, क्रैकिंग होते हैं, बहुत वाइब्रेशंस भी एक्ट करती हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या होती है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, सर्विसेबल होना चाहिए, मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, वहां पे क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए जितने टाइम के लिए हम उसको बच्चे वेट अगेन मेरा ये मेरे ख्याल वेट ये रन नहीं कर रहा है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। Thank you.